हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आईआईटी इंदौर के बारे में, कि इस चीज़ में आपको करने के से किस तरीके से अप्लाई करने होते हैं, अप्लाई करने के लिए सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या क्या होते हैं, और रिजल्ट एडमिशन कहाँ से किस तरीके से लेनी है, आपको सारी चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। मेक श्योर कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर चैनल बनाया गया है इसके रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको जो है सर्च करनी होती है, सर्च यहाँ पर जैसे आप करते हैं न्यू टैब में ओपन होता है, यहाँ पर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस वगैरह यहाँ पर आपको बताई गई है इस पेज में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लोकेटेड मध्य प्रदेश में है और इंदौर सेट वाई द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और यहाँ पर आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी स्कीम भी यहाँ पर सब बताई गई ऑफिशियली, जो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कीजिए, सामने आपके फॉर्म में तो आपका पूरा नाम क्या है और ईमेल आईडी आपका क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, अपना स्टेट बता दीजिए यहाँ पर, अपना स्टेट, सिटी कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपकी कितनी है, आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करनी है तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आता रहेंगे, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। चलिए देखते हैं यहाँ पर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में, आपको पता है यहाँ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ का जो ये गवर्नमेंट है वो इंडिया का है, और फॉर दी इन्हेंसिंग इट्स टेक्निकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, गवर्नमेंट फेल्ड द नीड एस्टेब्लिश एन अकेडमिक इंस्टीट्यूट विच इज़ वन ऑफ न्यू एंड वन एट। तो ये सारी चीज़ के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। एक्सप्लोजर्स यहाँ पर आपको जल्दी करना चाहिए, जो भी यहाँ पर सारी चीज़ के बारे में बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए फॉर एम टेक के लिए। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश का टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाम पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर अप्लाई नाम पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटीज के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं क्या बताया गया है, इवेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर मार्च का यहाँ पर जो डेट है वो देख सकते हैं, फिर इसी तरीके से अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने के लिए, जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस अप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, जो काफ़ी सिंपल है। फिर उसके बाद आप चलो देखते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट जो है अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, पीएचडी के लिए बताया गया ऐसा ही आपको, और यहाँ पर आप देखे थे क्या बताया गया आपको, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने पड़ती है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो कोर्स यहाँ पर आप देखे थे कि बीटेक के लिए बताया गया है, स्पेशलाइजेशन और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आप देख सकते क्या बताया गया है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें, फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्लस टू यहाँ पर जो है ट्वेल्थ आपका कंप्लीट होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पर देखे थे कि सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई, सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कैसा होगा, आपके स्कोर्स पे मार्क करता है जेई मेन के, और या फिर रैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन के लिए, तो काफ़ी सिंपल है। फिर एडमिशन प्रोसेस होते हैं ऑफिशियली, फिर यहाँ पर जैसे कि यूजी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बीटेक और जेई मेन का यहाँ पर और 10+2 एज यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आप देखे थे कि पीजी के लिए बताया गया आपको, पीजी के लिए यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं, जो है काफ़ी सिंपल। फिर एडमिशन प्रोसेस पीएचडी के लिए होते हैं तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो काफ़ी सिंपल है। कुछ भी आपको डाउट होता है आप जैसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे भी दो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।